अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की सफरी पाबंदियों में तौसी की हिमायत। ट्रूडो कहते हैं अभी हम ठीक तरीके से मोहलिक वबा से निजात नहीं पा सके। सनअती शोबों ने वफाकी हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। डक फोर्ड का ओंटेरियो में दूसरी मुद्दत के लिए अक्सरियती हुकूमत बनाने का इम्कान। IPSOS पोल के जरिए पता चलता है कि डक फोर्ड को तयशुदा वोटों का 41% मिलेगा। चीन जंगी तैयारों को हिरासा कर रहा है। कनाडा ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के तैयारे ने बैन अलाक़वामी फ़जाई हिफाजत के उसूलों की पाबंदी नहीं की। अमरीका में अस्पताल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को घेरे में ले लिया। अमरीका ने यूक्रेन को मुसल्ला ड्रोन्स देने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि हथियारों की नई खेप यूक्रेन को मैदान जंग में अहम अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाएगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मैं जानता हूँ आवाम मामूलाती ज़िंदगी की बहाली के लिए बेचैन है, ताहम अगर एक और लहर आती है तो हमारी सियाहत की सनत को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आलमी मोहलिक वबा COVID-19 के हवाले से सरहदी पाबंदियों की हालिया तौसी का दिफा करते हुए कहा है कि कैनेडा अभी भी वबाई मर्ज के दरमियान है। गैर मुल्की सयाहों को दाखिले पर COVID-19 वैक्सीनेशन का सबूत दिखाने की जरूरत है, ताहम इस तनाजर में पाबंदियों को हटाया जाना बहुत जल्द सफरी शोबे के लिए बदतर नतायज का सबब बन सकता है। जस्टिन ट्रूडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहना था कि सूरत हाल लोगों के दिखावे के बरक्स है, क्योंकि हकीकत यह है कि हम अभी भी वबाई मर्ज में हैं और जानलेवा वबा COVID-19 की वजह से हर एक दिन लोग मर रहे हैं। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने ऐलान किया है कि सरहदी कवानीन को कम अज़ कम 30 जून तक बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद गैर मुल्की सयाहों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन होने का सबूत फराहम करने की ज़रूरत रहेगी और गैर वैक्सीन शुदा कनाडा के शहरियों या मुस्तकिल रहायशियों को भी अब भी कनाडा में दाखिल होने और 14 दिनों के लिए क्वारंटीना में जाने से पहले किए गए मॉलिक्यूलर COVID-19 टेस्ट का सबूत दिखाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ होटल एसोसिएशन ऑफ कनाडा की सदर और CEO सोसी ग्रैनॉल का कहना है कि हमने कैनेडियंस को महफूज रखने के लिए अपना किरदार अदा किया, लेकिन हम ज़्यादा खुश नहीं हो सकते क्योंकि कनाडा के हवाई अड्डों पर मुसाफरों का तजुर्बा एक चैलेंज है। उबूरी कैनेडियन एयरपोर्ट्स काउंसिल के सदर मॉनिट पॉशर ने कहा कि तंजीम कैनेडियन एयर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के अमले की तादाद को बढ़ाने के लिए हुकूमत के इकदाम का खैर मकदम करती है। दूसरी तरफ सनअती ग्रुप्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें वफाकी हुकूमत से गर्मियों के सफर के सीजन के लिए सफरी पॉइंट्स पर दुश्वारियों जैसे लंबी लाइनअप और ताखीर को कम करने का मुतालबा किया गया।
एक सर्वे से पता चला है कि डकफोर्ड और उनके प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मसीह जानते हैं। डकफोर्ड के ऑन्टेरियो में दूसरी मुद्दत के लिए अक्सरियती हुकूमत बनाने का इम्कान रोशन हो गया। सर्वे से पता चला है कि डकफोर्ड और उनके प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। IPSOS की तरफ से खसूसी तौर पर कराए जाने वाले पोल में पता चला है कि डकफोर्ड को तयशुदा वोट का 41% मिलेगा। सर्वे ने इशारा किया कि लिबरल NDP वोटों की तकसीम की वजह से प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव की अक्सरियती हुकूमत बनाए जाने का इम्कान है। इसके साथ ही पोल में ये भी पता चला है कि सरकारी ओपोजिशन कौन बनेगा। NDP और लिबरल्स के दरमियान दौड़ बहुत सख्त है। एंड्रिया होरोवुड के तहत NDP और स्टीवन डील डॉका की कयादत में लिबरल आदाद व शुमार के मुताबिक बिल तरतीब 25% और 24% वोटों के साथ बराबर है। ये होरोवुड के लिए 2% और डेल डॉका के लिए 4% कम है। ऑन्टेरियो ग्रीन पार्टी माइक शेनर को 6% वोट मिलेंगे, जो कि कोई तब्दीली नहीं है। दीगर पार्टियों जैसे न्यू ब्लू को 4% मिलेगा, जबकि 4% वोट डालने से इनकारी हैं। कनाडा की जानिब से चीन पर शुमाली कोरिया में जंगी तैयारे को हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फ़ौज ने चीनी जंगी तैयारों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसके गश्ती तैयारे को हिरासा कर रहे हैं, क्योंकि वो शुमाली कोरिया की पाबंदियों की चोरी की निगरानी करते हैं। बाज़ औक़ात कैनेडा के तैयारों को अपनी परवाज के रास्तों से हटाने पर मजबूर करते हैं। कैनेडा की मुसलह फ़ौज ने एक बयान में कहा कि 26 अप्रैल से 26 मई तक कई मौाक़ों पर पीपल्स लिब्रेशन आर्मी एयरफोर्स के तैयारों ने रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स CP-140 और रा लॉन्ग रेंज कश्ती तैयारे से रब्ता किया, जिस पर उन्हें आगाह किया गया कि PLAAF तैयारे ने बैन अलावी फिजाई हिफाजत के उसूलों की पाबंदी नहीं की। ये मामला गैर पेशावराना और RCAF अहलकारों को खतरे में डालने के मुतरादिफ हैं। बाज़ सूरतों में कनाडा के हवाई अमले ने इतना खतरा महसूस किया कि उन्हें रोकने वाले तैयारे से मुमकिन तस्दम से बचने के लिए अपनी परवास का रास्ता फौरी तौर पर तब्दील करना पड़ा। कैनेडियन फौज ने मजीद कहा कि सूरत हाल तशवीश का बाइस है, क्योंकि ये मिशन शुमाली कोरिया पर पाबंदियों के नफाज के लिए अक्वामे मुतहदा की मंजूर शुदा कार्रवाइयों के दौरान होते हैं। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि मौजूदा हालात में पाबंदियाँ बढ़ाने से मसला हल करने में मदद नहीं मिलेगी। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के अस्पताल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के अस्पताल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ओक्लाहोमा पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 पिस्तौलों से मुसल्लह शख्स ने टल्सा के कैंपस में फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को घेरे में लेकर आवाम के लिए बंद कर दिया और अस्पताल के मुतादिद फ्लोर खाली करा लिए। वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने हमला आवर की शनाख्त जाहिर नहीं की। बैन अलावी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन इंतजामिया यूक्रेन को 4 MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन फरोख करने का इरादा रखती है, जो रूस के खिलाफ मैदान जंग में इस्तेमाल के लिए हेल फायर मिसाइलों से लेस हो सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैन अलावी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन इंतजामिया यूक्रेन को 4 MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन फरोख करने का इरादा रखती है, जो रूस के खिलाफ मैदान जंग में इस्तेमाल के लिए हील फायर मिसाइलों से लेस हो सकते हैं। इस हवाले से एक ड्रोन के माहिर डैन गेटिंगर का कहना है कि आमतौर पर MQ-1C एक बहुत बड़ा तैयारा है, जिसका टेक ऑफ वजन बैरतकर TB-2 से 3 गुना ज्यादा है, जिसमें पेलोड की गुंजाइश, रेंज और बर्दाश्त में हम आहंग होने के फवायद भी मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जनरल एटॉमिक से बने ड्रोन्स की यूक्रेन को फरोख अमरीकी कांग्रेस अब भी रोक सकती है और आखिरी लम्हात में इस पॉलिसी के मुस्तरद हो जाने का खतरा भी है, जो कि इस मंसूबे को नाकाम बना सकता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन यूक्रेन को खुद मुख्तार, आज़ाद, खुशहाल और दिफाई सलाहियत से लैस देखना चाहते हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।